देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फॉर नॉन नेगेटिव, ठीक है, नॉन नेगेटिव एबीसी, ठीक है, मतलब इसका मतलब है नॉन नेगेटिव एबीसी मतलब कभी भी एबीसी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। यस, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बोला हुआ, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी करना है। यस, देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी करना है। यहाँ पर ये दिया हुआ है इफ लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी इक्वल टू जीरो लिखो, ठीक है, बताओ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेक करके बताओ, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, लॉग, ठीक है, ए बी और सी, मतलब यहाँ पे ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं क्या, चेक करके बताओ, यस करो लिख सकते हो। अभी हमने देखा अगर मान लो इसमें बेस कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो बेस हम लोग को क्या मानना है, अगर इसमें बेस कुछ भी नहीं दिया तो बेस हमको ई मानना है। यस करो, सबको क्लियर, यस। अब बताओ मुझे, मैंने फिर से आपको रूल बताया था, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो ये लॉग हट जाएगा। यस करो, तो यहाँ पे होता है ई की पावर हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा ए बी सी, तो ए बी सी इक्वल टू हो गया वन। यस यानो, सब लोग को क्लियर, चेक करके था सबको क्लियर कि कैसे ए बी सी इक्वल टू वन आया, चेक करके था। यस यानो, अब यहाँ पे क्या बोला है, ए बी सी की वैल्यू नॉन नेगेटिव है, मतलब हमेशा वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अगर पॉजिटिव रहेगी तो बताओ ए और बी और सी की वैल्यू क्या रहेगी कि वन आ जाए आंसर। यस, तो हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू, एबीसी की नॉन नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पर। यस, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर नॉन नेगेटिव वैल्यू मतलब वन वन और वन होगा। यस या नो, क्लियर है, ठीक है, यहाँ पर यस वन हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो वन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं वन प्लस वन प्लस वन कर दिया, मतलब ए की वैल्यू भी वन, बी की वैल्यू वन, बी वन और सी की वैल्यू भी वन, ठीक है, तो आंसर देखो थ्री आ जाएगा ना। यस या नो, आंसर यहाँ पे थ्री आ जाएगा, आंसर भी दिया हुआ है। यस, आंसर भी आपका दिया हुआ है यहाँ पर। यस या नो, तो इसका आंसर वन नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा थ्री। सबको फंडा क्लियर बताइए मुझे, सबको ये फंडा क्लियर देख के बताओ मुझे। यस या नो, सबको क्लियर, यस, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है।